मैं बताऊंगी कि कैसे जैन पकौड़ी बनाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे गरम गरम जैन पकौड़ी बनाया जाता है और आपको हम बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है आपका? हरीश नाम है। और ये बताएंगे कि ये इनका बैटर बना हुआ है और ये बताएंगे भैया कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसकी मूंग दाल है ये और हरी मिर्च है। मूंग की दाल है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, साबुत धनिया भी है, सौंफ। अच्छा, ये सारे इसके अंदर दाल के अंदर पड़े हुए हैं और मिक्स किए हुए हैं। नमक भी है और इसको अब तेल में डीप फ्राई करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये तेल में फ्राई हो रहा है और ये बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का फेमस है पकौड़ी। लोग आते हैं दूर दूर से और इसे टेस्ट करके जरूर जाते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये पकौड़े निकल कर कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत ही यहाँ पर इसके साथ में मिर्ची भी खाई जाती है इस पकौड़ी के साथ में, और मिर्ची को भी यहाँ पर तल कर और इस पकौड़ी के साथ किया जाता है। और यहाँ के लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आने जाने वाले कस्टमर जितने होते हैं सब लोगों को बहुत ही पसंद आता है। आपको है ना भैया बताएंगे कि भैया कहाँ पर है, ये कहाँ कौन सी जगह है जिससे कि आप लोग भी आए और इसको जरूर टेस्ट करें। ये कहाँ का है? ये धवा है, जोधपुर के पास में है और जोधपुर से 40 किलोमीटर के लगभग है यहाँ पर और बहुत ही फेमस है। तो मैं आपको खाकर ही बताऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर प्याज भी पड़ा हुआ है, रोटी कुछ नहीं है, प्याज नहीं है, बिल्कुल जैन का है। और ये आपको अपनी चाल कर कैसा है यहाँ पर ये बना हुआ भी है। और मैं आपको बताती हूँ ये मिर्ची के बिना कागज में बनती हूँ मैं। यहाँ पर देने का स्टाइल ऐसा रहता है कि इसे पेपर में दिया जाता है और ये हरी मिर्ची है इसको इसके साथ खाते हैं। इसे क्या किया गया, ऑयल में फ्राई किया गया और उसको और ये पकौड़ी है। जैसा कि आप पकौड़ी देखेंगे बहुत ही क्रिस्पी है और इसके अंदर टेस्टी भी है। मैं खाना बताती हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत लाजवाब है। तो आपको यहाँ की रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया है बहुत पसंद आया और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। और मैं आपको इसकी रेसिपी यूट्यूब पे जरूर डालूंगी और बताऊंगी कि ये आप घर पर कैसे बना सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये बनकर बिल्कुल गरम गरम तैयार है और आपको ये जरूर पसंद आएगा। होप आपको ये जैन की पकौड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।